ग्वालियर शाखा ने आज रामधनु यात्रा निकाली। इस यात्रा का समापन राम मंदिर पहुंचकर महाआरती के साथ किया गया। बता दें कि यात्रा में काफी भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया था। ये यात्रा अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के खास अवसर पर निकाली गई थी। जानकारी के अनुसार ये यात्रा दौलतगंज स्थित हिंदू महासभा भवन से प्रारंभ होकर राम मंदिर पहुंची, जहां इस यात्रा का महाआरती के साथ समापन किया गया। बता दें कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज के नेतृत्व में यज्ञ संपन्न हुआ। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। हिंदू समाज में खुशी की लहर दौड़ रही है। 492 साल के बाद में एक ऐसा कार्य होने जा रहा है जिसके लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया है। उस बलिदान के स्वरूप जो हमें फल मिला है, आज हमारे आराध्य भगवान श्री राम का राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भूमि पूजन आज के दिन, और आज हिंदू सैनिकों में हिंदू समाज में खुशी व्याप्त है। उस खुशी को जाहिर करने के लिए सभी हिंदू सैनिकों ने संकल्प लिया है आज कि 125,000 ईंटें, श्री राम नाम की ईंटें अयोध्या भेजी जाएंगी, और वहां पर लॉकडाउन हटने के बाद में समस्त हिंदू सैनिक वहां जाकर कार सेवा करेंगे और मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगे। और खुशी को जाहिर करने के लिए सभी हिंदू सैनिक हिंदू समाज के साथ में आज यहाँ महाराज बाड़े पर चल समारोह रूप में आए हुए हैं, और हनुमान मंदिर पर शिला पूजन कर आरती कर संकल्प लेंगे कि आगे भी हमें इसी तरह उत्साह के साथ कार्य करना है, मंदिर की निर्माण की भूमिका में अपना सहयोग अदा करना है, और आगे चलकर अयोध्या एक झांकी है, हिंदू समाज की मांग और भी कुछ है, काशी मथुरा भी बाकी है, ये हमारा भी संकल्प है। आगे चलकर हम मांग करेंगे काशी मथुरा भी कराई जाए, हिंदू समाज को सौंपा जाए वो स्थान। देखिएगा, सभी से निवेदन किया गया है इस महामारी से बचिए, और निवेदन करते आ रहे हैं। आप हम भी मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन अति उत्साह में किसी कार्यकर्ता ने गलती की हो मैं समझ जाता हूँ, और आगे लोगों से अपील करता हूँ डिस्टेंस का पालन करें, लोगों से दूरी बनाकर रखें और बीमारी से बचे रहें।